ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತ್ರಾಸ ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಡಾಂಗನ್ ಸಂದಿದ್ರ ಪರಿಮತ ಅಂದಿದ್ರು कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बेलगावी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के ये नारे पुलिस कर्मियों के सामने ही भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने लगाए। पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर पहचान शुरू की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने ऐसा ना करने को कहा, लेकिन वे उल्टे धमकी देने पर उतारू हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस इन तत्वों की पहचान कर कब तक कार्रवाई करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक में बदला हुआ मंजर बताया। कर्नाटक में काफी पहले से भारत विरोधी तत्वों का बड़ा जमावड़ा रहा है, खासकर यहाँ के भटकल इलाके से यासीन और रियाज भटकल जैसे बड़े आतंकी निकल कर आए हैं। राज्य में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के भी तमाम कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बेलगावी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद बीजेपी इसे राज्य की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस के खिलाफ बड़े मुद्दे के तौर पर उठाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आए। राज्य की 224 में से 136 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सत्तारूढ़ बीजेपी को 65 सीटें मिली। 34 साल बाद कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल हुई है। इससे पहले साल 1989 में कांग्रेस ने कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में 178 सीटें जीती थी, तब बीजेपी को 4 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक में पिछले एक साल से टीपू सुल्तान और स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन के मुद्दे खूब गरमाए रहे। चुनाव के दौरान बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उठाकर इसे बीजेपी ने बजरंग बली के अपमान से जोड़ा था।